हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, आपके जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, क्या आप जानते हैं? हम आज जी रहे हैं, जन्म लिया है, कोई तो प्रयोजन होगा। कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो सबका एक प्रयोजन है कि हमें वहाँ क्या करना है। तो ऐसे ही आपके भी जीवन का कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पता लगाइए। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जीवन हुआ है, आपने जन्म लिया है, उसका कोई तो प्रयोजन होगा, कोई तो मकसद होगा उसका जीवन का। वो प्रयोजन हमें कैसे पता लगे, आप उसके लिए देखें। आप वो प्रयोजन आप भगवान से प्रार्थना करें, जिसने सृष्टि बनाई है, काला है, मोटा है, या जैस भी रूप में आप उसे मानते हैं, जिस भी रूप में आप उसे समझते हैं, कोई तो है सृष्टि जो चला रहा है। इस सृष्टि को चलाने वाले से आप प्रार्थना करिए, उससे पूछिए, आप रोजाना उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, हमने सृष्टि में क्यों जन्म लिए हैं, उसका प्रयोजन क्या है सृष्टि में जन्म लेने का। आप पूछिए रोज कि आपने सृष्टि में क्यों जन्म लिया है, उस सृष्टि में जन्म लेने के लिए आपने यहाँ पे आए हैं, उसके लिए हमारा क्या, हमारा काम अधूरा रह गया था जिसे हमें पूरा करना है, तो उसे ही हमें करना है। तो उसके लिए मैं तो रोज़ प्रार्थना करता हूँ, इसी बात को लेकर ही मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि हमने सृष्टि में क्यों जन्म लिए हैं, हम सृष्टि में आए हैं तो कोई तो हमारा मकसद है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप भी करिए, जिस भी रूप में आप मानते हैं। आप आंखें बंद करो, पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को लाखों करोड़ों बार चरण स्पर्श करते हैं, और आप सभी को हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि आप हमें क्षमा करिए, और आप सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमने सृष्टि में जिन प्रयोजन के लिए जन्म लिए हैं, जिन मकसद के लिए जन्म लिए हैं, वो प्रयोजन पूरे करवाइए, वो मकसद पूरे करवाइए, हमारा सृष्टि में जन्म लेने का उद्देश्य पूरा करवाइए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एक न एक दिन आपकी सुनवाई होगी, आपको रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा कुछ समय में, क्योंकि आपका जो प्रयोजन है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। रास्ता तो यही है आपकी कामयाबी का, आपको जीवन में जो भी चाहिए रास्ता तो यहीं से ही होकर जाएगा, आप जो भी चाहते हैं वो यहीं से ही मिलेगा। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना प्रयोजन चुनें, उसके बाद आप जीवन में क्या चाहते हैं, धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। धन तो आपको मिलेगा, धन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन धन मिलने के लिए आपको चाहते क्या है उस पर निर्भर करता। आप अपने आसपास देखते हैं, समाज में देखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपंग हैं, कुछ बहुत भीख मांग रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आप उन्हें हीन भावना से देखते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिसीज में प्रॉब्लम में हैं, तो वे कहाँ से आए वे लोग, उन्होंने कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे। आज आपको भी अच्छे कर्म करने हैं, जो आज अच्छे कर्म नहीं कर रहा तो आप उन्हीं की तरफ देख लेना, जो आज आप जिनसे हीन भावना से या सड़क पे बहुत परेशानी में हैं,